थोड़ी सी आगे एक आदमी आ गया था, उसकी वजह से आगे गाड़ी रोकनी पड़ी अचानक, तो इसने ब्रेक लगाने में थोड़ी सी हो गई और अपनी गाड़ी से टकरा गई थी, गाड़ी डैमेज। और आज मैं बनारस चुकी, काशी है, ये हमारा बाबा विश्वनाथ नगरी है, यहाँ मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है, माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उन्होंने हमारे मछुआरों की चिंता की है, प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 41,500 करोड़ का पूरे देश के मछुआरों को दिया, तो यहाँ के मछुआरों को बताना था कि ये इतना प्रधानमंत्री ने दिया है, उस स्कीम को कैसे लेंगे आप, किस तरीके से विभागीय बैठक किया, समीक्षा किया, ये कुछ यहाँ नियमितताएं थी उसको मैंने निर्देश जारी कर दिया है, जांच का निर्देश दे दिया कि सर कहीं अनियमितता हो तो तुरंत उसे दूर किया जाए, और निश्चित रूप से अधिकारी सुन रहे हैं तभी तो काम हो रहा है, और निश्चित रूप से आगे फिर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, बनारस फिर दुनिया में एक स्थान जो है लेगा। टहरी और मझवा में चुनाव लड़ेंगे अपने चुनाव? निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पहले भी लड़ती रही है भारतीय जनता पार्टी, पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही, हम लोग 200 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ लड़ेगी वहाँ हम लोग लेंगे, और जहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी वहाँ लड़ेंगे। निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है, अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है, अब दिल्ली जा रहा हूँ और मिलूंगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा कांग्रेस में तो बात बनती भी नहीं दिख रही, हमने लिस्ट जारी कर, समाजवादी पार्टी अब संभल रही है, समाजवादी पार्टी अब संभल रही है कि माननीय मुलायम सिंह की खेती खिला दिया थोड़ा सा 2024 में, मुलायम सिंह ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगा दिया था, बचा खुचा डॉक्टर संजय आए हैं, हाथी और पंजा को जीरो कर दिया था, और साइकिल मतलब हाथी और पंजा साफ हो गई थी और साइकिल हाफ हो गई थी, भाजपा हम लोग साथ हो गए, आज के दिन में फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी हरी भरी खेती खिला रही है, ये तो सपा को सोचना पड़ेगा कि कितना कांग्रेस को खिलाते हैं, और जितने कांग्रेस को खिलाएंगे उतनी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे लोकसभा में प्रवीण जी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, अगर बीजेपी प्रस्ताव देती है कि आप अपने नेता को ही लड़ाइए कमल के फूल के सिंबल पर, तो मानेंगे? अभी देखिए, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी सोच है, बड़ा सिस्टम है, बैठ के तय करते हैं हम लोग, अभी हम लोग लोकल लोगों को लड़ेंगे। नहीं तो लड़ रहे हैं 2 सीट का टहरी और मझवा? नहीं, हम लोग 100 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं की और जनता की जीत है, और ये झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले, संविधान को एडिट मतलब वीडियो एडिट करके जनता को धोखे में रखने वाले कोई हार नहीं। ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो जब हारते हैं तो जहां जीते हैं जैसे सीट जीते हैं उसे इस्तीफा देते हैं, इसलिए ईवीएम में हमें गलती जिता दी। गठबंधन में टकराव नजर आ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अपना सीट घोषित कर दिया, कांग्रेस कह रही है कि वो ऊपर बात करेंगे, और अभी तो हरियाणा में नहीं बात बनी, मैं तो कह रहा ना कि आज के दिन में सपा को सोचना है कि कांग्रेस को कितना माननीय मुलायम सिंह हरी भरी खेती खिलाते हैं। कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से 100 सीट जीत, कितनी सीट आप बात हुई है कुछ से? निश्चित रूप से हम लोग पहले कटहरी मझवा थी और 100 सीट पे एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है, निश्चित रूप से 200 सीट होती है।